हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी का। वेलकम है GTA 5 की एक और गेम प्ले वीडियो में। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये नीले रंग की गाड़ी, नीले रंग का हेलीकॉप्टर लेके मैं कहां जा रहा हूं। तो गाइस मैं जा रहा हूं लेफ्ट साइड में जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है उसके ऊपर इस हेलीकॉप्टर को, इस गाड़ी को उतारना। और उसके राइट साइड में ही गाइस लैम्बोर्गिनीज का एक शो होने वाला है जहां पे वो नई लैम्बोर्गिनी लॉन्च करने वाले हैं 2024 वाली, उसको आज हम रॉब करेंगे। लेकिन उसके पहले इस गाड़ी को क्या मैं इस बिल्डिंग के ऊपर स्मूथली उतार पाऊंगा, लेट्स सी। और ये उतर जा, ओके ऑल राइट गाइस, इजीली हमने उतार लिया। आप लोग एक एक लाइक कर देना, जितना इजीली मैंने इसको उतारा उतना इजीली आपको एक लाइक करना है। तो चलो आगे का प्लान गाइस बताता हूं। मैं यहां से डायरेक्टली लैम्बोर्गिनी चुराने नहीं जा सकता, नीचे काफी सारी सिक्योरिटी है, तो वो भी आपको प्लान बताऊंगा। इस गाड़ी का क्या काम है वो भी बताऊंगा। पहले आपको नीचे जो लैम्बोर्गिनी 2024 वाली चुराने वाला हूं वो दिखा। अरे बाबा नीचे मत गिर जाना यार, कहीं यहीं से मिट्टी पीली हो जाए सारी की सारी। तो एक मिनट रुको, पहले आपको गाड़ी दिखा देता हूं जो रॉब करने वाला हूं। ये है 2024 की लैम्बोर्गिनी ऑरेंज कलर वाली, और ये कुछ बाकी पुरानी वाली लैम्बोर्गिनीज हैं जो साइड में, लेकिन हमें ये वाली गाड़ी चुरानी है। और साइड में ऑलरेडी लोग आ रखे हैं, सिक्योरिटी आप लोग गाइस देख सकते हो, काफी सारी सिक्योरिटी यहां पे लगी हुई है। इसकी ओपनिंग के पहले पहले हमें इस गाड़ी को वहां से निकालना है, और वो कैसे निकालूंगा तो गाइस ये गाड़ी मैं यूज करने वाला हूं उस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। नीचे नहीं जा सकता जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता लिया। सो मैं क्या करूंगा, इस गाड़ी से वो जो नीचे लैम्बोर्गिनी खड़ी है उसको खींचूंगा। वो कैसे खींचूंगा वो बताता हूँ। पहले तो इस गाड़ी को लेके मेरे को इस बिल्डिंग की दूसरी साइड जाना, आई होप ये चला जाए आराम से। ओके इधर उतर गया, पलट ना जाए यार गाड़ी। भाई ये अच्छी एसयूवी है इसलिए मैं इसको लेके आऊँ, काफ़ी पावर है इसमें, और थोड़ा ऐसी वैसी बिल्डिंग्स पे ये चल जाती है, लाइक ये थोड़ी बहुत जो दीवार रहती है ना उसको ये लांग जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। चलो अब जरा इसको पीछे करके, और बाय द वे गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना हम लैम्बोर्गिनी को चुरा पाएंगे या नहीं। अभी मेरे को डालनी है हुक, हुक हमने डाल ली, अभी बस उस गाड़ी को इसी हुक से ऊपर खींचना। उसके लिए पहले मेरे को हैंड ब्रेक खींच देनी है पूरा, और चारों की चारों ब्रेक जो एक्स्ट्रा मैंने लगाई है उसका वर्क होना जरूरी है, और ये हमने कर लिया। अभी बस गाड़ी को खींचना स्टार्ट करना, और यस गाइस वो गाड़ी जो नीचे लैम्बोर्गिनी है वो पुल हो रही है, वो आ रही है अपनी तरफ धीरे धीरे, अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं गाइस, जितने में वो गाड़ी ऊपर आएगी थोड़ा सा समय लेगी, उतने में क्या हम नीचे जो बाकी लैम्बोर्गिनीज खड़ी हैं उनको जाके फोड़ दे क्या, क्योंकि हम तो यार एक ही लैम्बोर्गिनी चुराने आए हैं, बाकी तो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती हमने अब, क्योंकि हमारे पास है यार वो ऑलरेडी, तो इसलिए मैं वो नहीं चुराने वाला। तो अभी जो बाकी जितने में अपनी वाली लैम्बोर्गिनी ऊपर जाती है ना, 2024 वाली लेटेस्ट चमचमाती हुई ऊपर जा रही है, उतने में बाकी लैम्बोर्गिनीज को हम उड़ा देंगे बॉम्ब लगा के। बस मेरे को कोई देख ना ले, ये साइड में जो काले कोट वाले खड़े हैं इन्होंने पूरा दिन काला कर देना अगर मेरे को पेल दिया। हराम जादे काला मुंह करके गधे पे बिठा के पूरे शहर में घुमाएंगे मेरे को अगर इन्होंने मेरे को पकड़ लिया तो। और मैं एक मिनट गाइस चेक भी कर लेते हैं कि अपनी लैम्बोर्गिनी ऊपर जा रही है नहीं जा रही। ओके लैम्बोर्गिनी गाइस देख रहे हो, ये बढ़िया चीज है यार, अपने आप ऊपर खींच रहा है भाई, वो अपनी मस्त गाड़ी उसको खींच रही है। उतने में हम यहाँ पे बाकी लैम्बोर्गिनीज को उड़ा देंगे। अगर आपको चाहिए तो बता देना यार, मेरे पास है लैम्बोर्गिनीज काफी सारी, आप ले जाना यार, गेम में आना ले जाना मेरे से। इनको नहीं दूंगा यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं एक गाड़ी ले जाऊं और बाकी गाड़ियां ऐसे छोड़ दूं। है लैम्बोर्गिनी वालों को मैंने बोला था मेरे को गिफ्ट कर दो 2024 वाली, बोलते नहीं तो भुगतो ना यार, तो भुगतो। अपनी गाड़ी ऊपर जा रही है ना, जा रही है। चलो तीन बॉम्ब हमने लगा दिया, चौथा भी यहाँ पे लगा देते। बस ये देख ना ले यार, ये जो काले कोट वाले खड़े हैं ना, मैं बता रहा हूँ गधे पे बिठा लेंगे मेरे को, मुंह काला करके सारे शहर में घुमाएंगे। रुको यहाँ पे भी लगा देते हैं बॉम्ब, और यहाँ पे भी लगा देते हैं, एंड देन यहाँ पे भी लगा देते हैं। अरे किसी ने देखा तो नहीं ना, ओके और यहाँ पे भी लगा देते हैं, इसके ऊपर शायद मैंने लगा दिया ऑलरेडी, यस लगा दिया। तो चलो अभी गाइज हमें वापस ऊपर जाना है क्योंकि जो अपनी गाड़ी है ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच चुकी है, और मैं नहीं चाहता वहां से कोई जो रोप है जो हुक हमने डाली है वो टूट जाए, तो ऊपर चलते हैं थोड़ा सेफ्टी के लिए ताकि थोड़ा कोई वहां पे प्रॉब्लम ना हो जाए। ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी ऊपर पहुंच चुकी है। आप लोग लाइक नहीं किए हो अभी तक तो लाइक कर देना, और अपनी फेवरेट गाड़ी कमेंट सेक्शन में बता देना यार। अगली गाड़ी हम वही रॉब करेंगे जो आप लोग बोलोगे, एक नए तरीके से रॉब करेंगे क्योंकि हम वही सेम पुराने तरीके नहीं यूज करते ना यार। एक मिनट रुको, अब इस हेलीकॉप्टर को मैं इस छत, यार हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है मेरे, ये थोड़ा अनबैलेंस्ड हो चुका है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, लैंड करने में भी दिक्कत आएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो लैंड कर लिया है। रुक जा भाई, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया गाइस, हमें शायद यहाँ से जंप वम्प करके जाना पड़ेगा गाड़ी के साथ। लैम्बोर्गिनी अपनी ऊपर आ चुकी है और यहाँ पे रुक गई है। ओके तो अभी मेरे को ये जो दूसरी, अरे गोली चला दी,
हाय, गोली लगी ना मेरे? अमजादे ने शायद देख लिया गाइस मेरे को, उसने शायद देख लिया मेरे को। जल्दी से मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को गोली लगी है। अपनी लैम्बोर्गिनी ऊपर आ चुकी है, अब बस मेरे को इस गाड़ी को थोड़ा आगे करना है। लैम्बोर्गिनी को बाद में हम खींच के सीधा कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ से भागना होगा। और मैंने जो बॉम्ब लगाया ना वो बाद में यूज करते हैं, पहले इस गाड़ी को सेव कर लें जो हम चुराने आए हैं। मेन मिशन तो यही है ना, जो गाड़ी है उसको चुराना मेन मिशन है। तो इसको जरा मैं एक बार सीधा कर लूँ यहाँ से। ओके, हमने ऊपर खींच लिया। अभी ये बात तो पक्की है कि ये गाड़ी नीचे नहीं जा रही। और अभी सीन ऐसा है कि मेरे को अपनी वाली जो SUV है उसको दूसरी साइड लेके जाना। उसके लिए मैं लैम्बोर्गिनी के रैंप बना के उधर जाऊंगा। बस ये नीचे ना गिर जाए यार, ये SUV गिरेगी क्या? ये नहीं, इज्जत से SUV नीचे मत गिर जाना यार। जो लैम्बोर्गिनी हम गाइस नीचे से खींच के लाए उसी का मैंने रैंप बना लिया। लाइक करो यार अगर आपने नहीं किया तो। अब मेरे को ये तो थोड़ा फंस गया हूँ लेकिन लग रहा है, अरे गई भाई SUV। नहीं, आराम से यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, इसीलिए मैं इस SUV को लेके आया था। लैम्बोर्गिनी, ये कौन आया भाई? उड़ता हुआ शक्तिमान आ गया। रुको, लैम्बोर्गिनी को सीधा कर ले पहले। ऊपर से कोई लाश आई। अरे भाई साहब, ये कहां से आया? हराम ज्यादा मार दे। चलो हमने उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो नीचे गाड़ियां हैं उन पे जो बॉम्ब्स लगे थे उनको फोड़ देते हैं और बॉम्ब्स के। अब बस जो नीचे सिक्योरिटी वाले खड़े, ऐसे नहीं हो सकता यार कि मैं कोई रॉबरी करने आया हूँ और बिना मैं बूम बाम किए रॉबरी फिनिश कर दूं। ये क्यों नहीं पूछ रही भाई? ये शायद इनकी बुलेट प्रूफ गार्ड। छील दिया रे बाबा, छील दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी। सालो रुको रुको, तुम्हारी ऐसी की, तुम्हें पता नहीं है ना कि ऊपर से सर पे गोली लगती है? टांट फोड़ दूंगा तुम्हारी में मार के, टांट पे गोली मारूंगा। हराम जादो, बचेगा कुछ नहीं तुम लोग में। तुम भी चलो, अरे तुम भी चलो किधर, ऊपर से शॉट लोगे। तू भी चल हराम जादे। और कोई भाई गाड़ी के पीछे छुप के बैठे, चल तेरी ऐसी के तैसी। और ये सारे गाइस डाउन हो चुके। और मेरे को लग रहा है वो नीचे ग्रीन वाली जो लैम्बोर्गिनी है ना, शायद ये नहीं फूटेगी, इसका आर्मर बहुत स्ट्रांग है। चलो हम अपना टाइम नहीं गाइस वेस्ट करते, एक और ट्राई कर लेता हूँ फोड़ के। नहीं फूट रही तो चलो हम नहीं गाइस अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मेरे को लैम्बोर्गिनी निकालनी। अपना हेलीकॉप्टर खराब हो चुका है तो मैं लैम्बोर्गिनी के साथ यहाँ से जंप करूंगा थोड़ा बूस्ट मार के, क्योंकि हेलीकॉप्टर के साथ इसको उठा के नहीं ले जा पाऊंगा। हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो मेरे को यहाँ से लैम्बोर्गिनी से जंप करना पुलिस के आने से पहले, क्योंकि हमने नीचे गुंडों को छेड़ लिया था और पुलिस वाले तो आएंगे ही। और ये इज्जत से उतर जाना प्लीज। ओके ठीक है, चलेगी लैंडिंग, चलेगी। अच्छा आर्मर था, आर्मर नहीं टूटा। सो गाइस ऑलमोस्ट अपनी रॉबरी कंप्लीट हो चुकी है और आई थिंक पुलिस भी पड़ चुकी है। यस बिल्कुल गाइस, पुलिस भी पीछे पड़ चुकी है। थोड़ा स्पीड का भी चेक हो जाएगा ना इस लैम्बोर्गिनी की स्पीड कितनी है, तो थोड़ा पुलिस से एस्केप करके देखते हैं होता है तो। और देखते हैं कितनी अच्छी हैंडलिंग वैंडलिंग है। हमने जो लैम्बोर्गिनी 2024 थी गाइस वो रॉब कर लिया। अब जस्ट मैं पुलिस जो पीछे हमारा चेज कर रही है उनसे एस्केप करके थोड़ा स्किल्स भी चेक कर लेंगे, कितनी अच्छी चलती है। वैसे अभी तक मेरी फेवरेट गाड़ी इसमें चलाने के लिए हैंडलिंग के मामले में स्पेशली पोर्श है, वो बहुत अच्छी जाती है, पोर्श 911 R। तो ये भी अच्छी जा रही है, नॉट अ बिग इशू। थोड़ा सा है हैंडलिंग में, थोड़ी स्लिप हो रही है, बट आई थिंक ठीक है, अच्छी है यार। मेरी बाकी गाड़ियों से, काफ़ी सारी गाड़ियों से अच्छी है तो रख लूंगा मैं इसको, नहीं तो मैं इसको बेच देता अगर ना अच्छी होती तो। खैर एनीवेज गाइस, इस वीडियो को हम करते हैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो यस ज़रूर लिख देना, अगर यस लिख दिया तो एक लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फॉलो भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।